साइड लोअर बर्थ कुछ लोगों के लिए ट्रेन में सफर करने का कारण होता है, जहां से पैर फैलाए सर खिड़की पर टिकाए बाहर के नज़ारों को देखते हुए सफर करना बहुत ही रोमांचकारी लगता है। और अगर कोई अनजान हमसे आके ये बोले कि भाई साहब आप अपनी साइड लोअर सीट हमें दे दें और हमारी मिडिल बर्थ आप ले लें, तो मानो ऐसा लगता है जैसे सोने की तुलना में तांबा मांग लिया गया हो। साइड अपर वाली बर्थ पे सोया इंसान जब अपना हक मांगने सुबह के वक्त नीचे आता है तो सीट का बंटवारा भारत पाकिस्तान के बंटवारे से भी अधिक दुखदायी लगता है, जैसे अपनी भूमि पे कोई ऐसे ही अपना हक जमा रहा हो। खैर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको साइड लोअर बर्थ बिल्कुल भी रास नहीं आता है, जैसे कुछ लंबे चौड़े कद काठी के लोग भी होते हैं जो साइड लोअर बर्थ में फिट नहीं आते हैं। सुकून और अच्छी नींद चाहने वाले इंसान भी साइड लोअर बर्थ को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी दिन के वक्त या रात के वक्त चाय चाय की आवाज़ हो या फिर कभी कोई वहाँ से गुजरता हो तो उनके जो पैर हाथ होते हैं वो लग जाते हैं, जिससे जो नींद है वो खुल जाती है। तो ऐसे लोग भी अवॉइड करते हैं साइड लोअर बर्थ को। और हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसको इस कारण से साइड लोअर बर्थ रास नहीं आती, क्योंकि जो साइड लोअर बर्थ होती है वो बाकी के बर्थ के कंपैरिजन में कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होती। हाफ हाफ सीट को मिलाकर बना ये बर्थ अनकंफर्टेबल उस वक्त लगता है जब बीच में बनी ये दरार या तो गहरी हो जाती है या फिर उभरी हुई होती है, जिस कारण से साइड लोअर बर्थ पे सोना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। यात्रियों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए रेलवेज हमसफर ट्रेन्स में कुछ ऐसे मॉड्यूलर फ्लैट बर्थ को लेकर आई थी, जिसको साइड लोअर बर्थ के ठीक ऊपर कुछ ऐसे लगा देते थे जिससे बीच में कोई दरार नहीं होती थी और एकदम फ्लैट बर्थ मिलता था आपको। पर यह सुविधा केवल हमसफर ट्रेन्स और कुछ प्रीमियम ट्रेन्स में ही आपको मिलती थी। बाकी अब भारतीय रेलवेज ने यह फैसला किया है कि अब ये फ्लैट बर्थ सभी ट्रेन्स के साइड लोअर बर्थ में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे साइड लोअर बर्थ पे सफर करने का जो मजा है वो दोगुना हो जाएगा। और यकीन मानिए, मैंने भी अपनी काशी महाकाल की यात्रा के दौरान ऐसे ही साइड लोअर बर्थ में यात्रा की है, जहां पे आप अपने साइड लोअर बर्थ पे ये जो फ्लैट बर्थ है उसको रख सकते हैं, और जिस कारण से आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता और यात्रा सच में मजेदार हो जाती है। जो साइड लोअर बर्थ में जर्नी करने का एक्सपीरियंस है ना, वो और बढ़िया हो जाता है। खैर छोटी दूरी का तो नहीं पता, लेकिन लंबी दूरी तय करने में ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ा असर डालती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता था साइड लोअर बर्थ में यात्रा करना। खैर इस छोटे से वीडियो में तो बस इतना ही, बाकी रेलवे से जुड़ी ऐसे ही कुछ छोटी मोटी अपडेट्स और रेल यात्राओं के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।